आप लोग यहाँ 5 तारीख से लगातार आए थे, सरकार से वार्तालाप हुई, तो अभी एक मैडम कह रही थी कि उनकी जो वार्तालाप हुई हमें संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? हम भी नहीं संतुष्ट रहे भाई, हमारी जो काम को देखते हुए हमारा दाम नहीं मिलता। मोदी कुपोषण के पीछे पड़े हैं, जब कुपोषण हमारी बहने तो कुपोषण भागेगा कैसे? खाने की औकात नहीं है, खाते खुलवाते हैं, खाने को अनाज नहीं है, शौचालय बनवाते हैं। तब कुपोषण तब के जमाने में नहीं था, ये मोदी के जमाने में ही आया है कुपोषण। क्यों आया है? जनजाति इलाके में हमारी पोस्टिंग है, वहाँ खाने के लिए नमक भात खाएगा आदमी तो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। गर्भवती महिलाएं खाए बिना उपवास रखेंगी, नमक भात वो खुद ही होती है, वहाँ की महिलाएं खुद ही यूज करती हैं, जो हम लोग के और जिलों में फेंका जाता है, गाय भैंसों को खिलाया जाता है। ऐसे इलाकों की बहनें कैसे कुपोषण को दूर भगवा पाएंगे? वो उनका पोषाहार खिला के जो गाय भैंस खाती हैं। मोदी जी पछताएंगे और केतली उठाएंगे, यही मेरा कहना। मोदी जी होश में आ जाएं, वरना पछताएंगे। गुजरात में जाके फिर वही 5 रुपए वाली चाय मोदी जी बेच के रहेंगे। 2019 का मोदी जी होश में आ जाए, यही मेरा कहना है भाई। धन्यवाद।